शहर से 12 किलोमीटर दूर स्थित जंगल कौड़िया में मां दुर्गा का मंदिर श्रद्धालुओं के श्रद्धा का केंद्र बन गया है। कौड़िया मंदिर की स्थापना वहां के पुजारी रामलाल मौर्य द्वारा 1985 में की गई थी। तभी से यहां भारी संख्या में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग आकर मां की आराधना करते हैं और मनोकामना पूर्ण करने की गुहार मां से लगाते हैं। माना जाता है कि जंगल कौड़िया स्थित मां दुर्गा के मंदिर पर सोमवार को दर्शन करने से विवाहित महिलाओं की सूनी गोद भर जाती है और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मंदिर में बृहस्पतिवार को भी पूजा अर्चना किया जाता है। नवरात्र के अवसर पर मंदिर में मेले जैसा दृश्य देखने को मिलता है। मुख्य सड़क से मंदिर मार्ग तक तमाम दुकानें सजी रहती हैं और लोग नारियल चुनरी खरीद कर माँ को श्रद्धापूर्वक चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की मन्नत उनसे मांगते हैं, जिसके संबंध में मंदिर के उत्तराधिकारी और प्रधान पुजारी के पुत्र दुर्गेश मौर्य ने बताया कि 1985 में मेरे पिता रामलाल मौर्य के द्वारा जंगल कौड़िया दुर्गा मंदिर स्थापित किया गया है। तब से यहां भक्त आते रहते हैं तथा मां उनकी मुरादें पूरी करती हैं। मां के दरबार में सभी प्रकार की मन्नतें पूरी होती हैं, जैसे कि नौकरी, बिजनेस, पारिवारिक समस्याएं माँ के दरबार में आने से दूर हो जाता है। उन्होंने बताया कि 1985 से प्रति सोमवार और गुरुवार को करीब 1000 भक्त की भीड़ होती है और नवरात्रि में 9 दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंदिर के उत्तराधिकारी दुर्गेश मौर्य ने कहा, देखिए यह माता जी का दरबार सन 1985 में मेरे पिता श्री रामलाल मौर्य जी द्वारा स्थापित किया गया। तब से माता जी के दरबार में तरह तरह के भक्त आते रहते हैं, माँ उनकी मुरादें पूरी करती है और उसके बाद यहाँ किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे मनौती हो, चाहे बीमारी हो या आपको भूत बिहार हो, उसके लिए आपको कथा कराई, कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन आप मनौती यहाँ जनता मानती है, उनका कल्याण होता है और माँ के दरबार में लोग आते हैं, अपने श्रद्धा से मनौती पूरा करते हैं। कितनी भीड़ होती है यहाँ? देखिए हजारों की संख्या में भीड़ होती है यहाँ। सन 1985 से ही प्रति सोमवार और बृहस्पतिवार को मंदिर खुलती है और नवरात्र में 9 दिन यहाँ लगातार भीड़ होती है। पूरे नवरात्र में किस तरह की भीड़ होती है और कितनी भीड़ होती है? देखिए नवरात्र में पहले दिन सबसे ज़्यादा भीड़ हुई, उसके बाद माँ का दिन है सोमवार, सोमवार को तो अधिक से अधिक भीड़ हुई
कम से कम 10-20 हज़ार जनता की भीड़ हुई, उसके बाद ऐसे ही इसी प्रकार हजारों की संख्या में भीड़ होती रहती है। कोरोना काल में किस तरह की भीड़ होती है? देखिए, कोरोना काल से पिछली बार नवरात्र में जनता दर्शन नहीं कर पाई, इसलिए इस नवरात्र में भीड़ थोड़ा सा कोरोना के इस बार कम है, जनता परेशान है, लेकिन जितने लोग आ रहे हैं लेकिन जनता के बीच में उत्साह है, भक्तों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गेश मौर्य, मंदिर के उत्तराधिकारी हैं।